हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के बहुत सारे लेटेस्ट वर्ड हैं और लेटेस्ट ग्रामर का इसमें प्रयोग हुआ है, जिसको सीखकर आप अपने डेली कन्वर्सेशन में प्रयोग कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को लेटेस्ट बना सकते हैं। तो गाइज, ये न्यूज़ जो है, मैं किसी भी इंग्लिश न्यूज़ से न्यूज़ लेकर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है, जिसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन में भी मैंने ऐसा किया था, ठीक है। जो लोग ना देखे होंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए मैं आपको जो लेटेस्ट ग्रामर है उसको बताऊंगा, और लेटेस्ट वर्ड आएंगे उनका भी आपको नॉलेज मिलेगा, उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। तो चलिए गाइस, हम बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने ये लेटेस्ट न्यूज़ लिया है, जो हाल ही में ये न्यूज़ आई है, ठीक है, जिसका टाइटल है टू चाइल्ड पॉलिसी इन अदर स्टेट्स। हालांकि ये कुछ स्टेट में चल रहा है, ये पहले से, मतलब ये पॉलिसी है, ये नीति जो है ये पहले से एग्जिस्ट करती है कुछ राज्यों में, लेकिन हाल ही में ये थोड़ा सा हाईलाइट है, ठीक है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने और आसाम ने इस नीति को जो है अप्लाई किया है। तो आइए देखते हैं क्या है, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप इंग्लिश के वर्ड भी सीखोगे। टू चाइल्ड पॉलिसी यानी दो बच्चों वाली नीति इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप देख रहे हो सेंटेंस में, वाइल दीज टू स्टेट्स आर न्यू इन दिस डायरेक्शन, यानी कि जिन दो स्टेट्स की हम बात करेंगे, ठीक है, असम और यूपी की बात करेंगे, ये इस डायरेक्शन में यानी इस दिशा में नए हैं। वाइल यानी जबकि, दीज टू स्टेट्स ये दोनों राज्य आर न्यू, ये नए हैं, इन दिस डायरेक्शन इस दिशा में, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर स्टेट्स विच हैव दिस रूल फॉर स्पेसिफिक थिंग्स लाइक कंटेस्टिंग इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। अब आइए इसको ढंग से समझते हैं। यहाँ पर मैंने शुरुआत की है इधर से, देयर आर सेवरल अदर स्टेट्स, तो अदर मीन्स अन्य, ठीक है, सेवरल मीन्स कई, तो देयर आर मतलब होता है, यहाँ पर देयर एक सब्जेक्ट है जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और मतलब है, तो कई अन्य स्टेट भी हैं, ठीक है, विच हैव, जिनके पास है, विच हैव मतलब कि जिनके पास है, पास है के अर्थ में हैज़ कभी यूज़ करते हैं और हैव कभी, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन में हो तो हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया है, विच हैव, जिनके पास हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा है यानी बहुवचन में है, दो स्टेट्स है ना, तो दो राज्यों की बात हो रही है, तो वो बहुवचन में हो गए, तो विच हैव, जिनके पास हैं, क्या है, दिस रूल फॉर स्पेसिफिक थिंग्स लाइक कंटेस्टिंग, यानी कंटेस्टिंग मतलब होता है प्रतियोगिता रखना या प्रतियोगिता में शामिल होना, इसका फर्स्ट फॉर्म आप देख ही रहे हो, सेकंड फॉर्म कंटेस्ट, कंटेस्टेड, ये बहुत ही लेटेस्ट वर्ड है और मतलब कॉमन बोलचाल में होता है, काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है, प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, तो उस कंटेस्ट में, उस आप परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हो, ठीक है। इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, इलेक्शंस यानी चुनाव, लोकल बॉडी यानी जो लोकल चुनाव होते हैं, पंचायती किस्म के, ठीक है ना, पंचायती हो गया या फिर सिटी में हो जाता है, जैसे महापौर का चुनाव हो गया, पार्षद का हो गया, तो लोकल बॉडी के चुनाव कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ खास थिंग्स में, चीज़ों में जो है शामिल होने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनके पास ये रूल है, अभी आप आगे समझेंगे कि ये रूल क्यों है और किसके लिए है, ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइस, आप देख रहे हो ना कि किस तरह से नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, अब इनसे आप कई सेंटेंस बनाने का भी प्रयास करेंगे तो आप और फास्ट इंग्लिश सीख पाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है इन राजस्थान, जैसे हम बात करें अब राजस्थान थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में क्या है, इफ अ पर्सन हैज, यहाँ पर सिंगल स्टेट की बात कर रहे हैं, एक यानी एक वचन में है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हैज का प्रयोग आ गया, ऊपर क्या था, हैव था, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रामर की आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस आप बहुत फास्ट इंग्लिश कवर कर पाओगे। इफ यानी यदि, अ पर्सन हैज, राजस्थान में क्या बात होती है कि यदि एक पर्सन, एक व्यक्ति, यहाँ भी एक वचन है, तो इफ यदि, यदि एक व्यक्ति के पास मोर देन टू चिल्ड्रन, यदि दो से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो देखिए उसे क्या क्या समस्या हो सकती है, ठीक है, या क्या क्या प्रावधान है उसके लिए। तो दे आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द लोकल इलेक्शंस, यानी कि वो व्यक्ति या वे लोग जिनके पास दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। डिसक्वालीफाइड मतलब होता है अयोग्य, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए अयोग्य, डिसक्वालीफाइड, तो वे डिसक्वालीफाइड, ठीक है, हो जाते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग, प्रतियोगिता में शामिल होने से, फ्रॉम यानी से, ठीक है, द लोकल इलेक्शंस। अभी ऊपर बात कर रहे थे कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उसमें वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से वो अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा प्रावधान है, ऐसा रूल है। तो अभी ये नियम हाल ही में यूपी में, जो यूपी के सीएम हैं आदित्य, ठीक है, योगी नाथ जी जो हैं, उन्होंने ये अप्लाई किया है अपने राज्य में, उन्होंने शुरू किया है। हालांकि ये जो है बहुत पहले से कई राज्यों में चल रहा है, बट हाँ पूरे इंडिया में नहीं है, इंडिया ने इसको नेशनल एक्ट के रूप में शामिल नहीं किया है, ठीक है, ये राज्य, अलग अलग राज्य जो है अपना रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है, आपको एक नॉलेज मिल जाती है, इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि जो है करेंटली जो न्यूज़ चल रही है उसका ट्रांसलेशन देखो, नए वर्ड सीखो और नए न्यूज़ भी आपको प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर थे अ सिमिलर प्रोविज़न, ठीक है, सिमिलर प्रोविज़न बारिंग पीपल, ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना कि बारिंग जो है, तो बार का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म बार्ड है और बार्ड थर्ड फॉर्म है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आराम से गौर कर लेना है और लर्न करते हुए चलना है, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंटली अभी के अभी सीख जाओ, ठीक है, बाद में आपको रिविज़न करने का जो है तो आप कर सकते हैं रिविज़न, ऐसी बार नहीं है, आप दो बार चार बार भी कर सकते हैं, बट प्रयास करेंगे कि एक से दो बार में आप बहुत कुछ सीख पाओ, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से भी चलता हूँ, ठीक है, कि आपको रिवाइज भी ज़्यादा ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बारिंग का मतलब होता है मनाही करना या रोक लगाना, ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रोविज़न है, ठीक है, असिमिलर यानी सेम, इसी तरह का, सिमिलर यानी कि के समान, जिस तरह से राजस्थान में है, बाकी जो राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो उन्हीं की तरह एक प्रावधान है, ठीक है, पीपल फ्रॉम मोर देन टू चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल इलेक्शंस एग्जिस्ट इन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना चाहता है न्यूज़ के थ्रू कि असिमिलर प्रोविज़न, एक इसी तरह का जो प्रावधान है जो रोक लगाता है, बारिंग करता है लोगों को, फ्रॉम किससे लगाता है, विथ मोर देन टू चिल्ड्रन, ऐसे लोगों को जो जिनके पास दो से ज़्यादा बच्चे हैं, फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल इलेक्शन, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लोकल चुनावों में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोकता है, एग्जिस्ट इन गुजरात, यानी एग्जिस्ट यानी होता है अस्तित्व में होना, तो ये जो रूल है, ठीक है, ये एग्जिस्ट में है, मतलब अभी ये उपस्थित है, किन राज्यों में, ये जो सारे राज्य मैंने पढ़े इन सभी राज्यों में वो रूल, वो नियम जो है अभी भी अस्तित्व में है, मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि किस तरह से वर्ड्स और ग्रामर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आप रफ पेन लेकर नोट भी कर सकते हो,
ठीक है, मैं आपको एक रिमाइंड करवा रहा हूँ, कई बार आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो इससे नुकसान आपका ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और आसाम में इस रूल को, इस नियम को अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग आ रही है कि असम उत्तर प्रदेश आर बारिंग इन मेजर्स इन द डायरेक्शन ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी। तो असम और उत्तर प्रदेश आर बारिंग, वो रोक रहे हैं, ठीक है, रोकथाम लगा रहे हैं इन मेजर्स, यानी कि मापदंड के रूप में, इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में, टू चाइल्ड पॉलिसी इसकी दिशा में, है ना, ये दो स्टेट क्या कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं कि दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, इस पर वो रोक लगा रहे हैं। और देखिए और क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट, लेजिस्लेशन दैट बार्स पीपल फ्रॉम अवेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स इफ दे हैव मोर देन टू चिल्ड्रन इज नोन एज टू चाइल्ड पॉलिसी। तो टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जो लेजिस्लेशन है, यानी जो सांसद है, ठीक है, जहाँ पर रूल और नियम बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, ठीक है, जो सांसद है काम करती है एक, दैट बार्स जो रोकती है, ठीक है, जो रोक लगाती है, बार्स मतलब रोक लगाती है, पीपल फ्रॉम अवेलिंग, लोगों को, किससे रोक लगाती है, फ्रॉम अवेलिंग। देखिए अवेलिंग वर्ड आपको लगता है नया है, बट आपके लिए नया नहीं है, आप कई बार सुने हैं, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अवेलिंग, अवेल, अवेलेबल आपने सुना होगा कि ये अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, अवेलेबल। तो ये जो अवेल है ये वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है उपलब्ध कराना, ठीक है, तो अवेल, अवेल्ड, ठीक है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, तो अवेलिंग उसका फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो लोगों को उपलब्ध कराने से, ठीक है, ये जो लेजिस्लेशन है, जो संविधान है, जो संसद ने रूल बनाया है, वो उसको रोक लगाता है ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़, कि लोगों को जो गवर्नमेंट, जो सरकारी सब्सिडीज़ हैं एंड अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स, और अन्य जो सरकारी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स यानी फ़ायदे, वो उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो रोक लगाता है। दे हैव, इफ दे हैव, यदि उनके पास, दे हैव, दे यानी वे, एक से ज़्यादा जो लोग हैं, ठीक है, दे जो है एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, इसलिए हैव आ गया, दे हैव मोर देन टू चिल्ड्रन, यदि उनके पास दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो, इसी को कहते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है ना। यही चीज़ जानी जाती है, इज़ नोन, यानी जानी जाती है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तो आप ऐसे याद कर लो, इज़ नोन, ठीक है, आर नोन, तो मतलब जाना जाता है या जानी जाती है, एज़ के रूप में, टू चाइल्ड पॉलिसी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ ताकि आप सीख पाओ और ख़ुद से इंग्लिश जो है ना समझ पाओ, आपको इंग्लिश की समझ आपके अंदर आ जाए, ठीक है, तो आप बाकी जैसे रीडिंग करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर उसको समझ पाओ इंग्लिश को, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जल्दी जल्दी करवाइए, तो भाई जो लोग नए हैं तो सारी चीज़ को कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, माना कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ बेसिक अच्छा कवर हो गया है, है ना, लेकिन आपको शुरुआत में थोड़ा गौर से, ध्यान से समझना पड़ता है। तो अभी मेरा मुद्दा ये है, ठीक है, बाद में देखेंगे उन चीज़ों को। नेक्स्ट है, इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल पॉलिसी बट टू बीजेपी स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड आसाम हैव मूव्ड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने इंडिया में ऐसा कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, कोई राष्ट्रीय नीति ऐसी नहीं है कि टू चाइल्ड पॉलिसी वाली जो नीति है,
कि पूरे भारत में नहीं है, ठीक है, हमारे देश के पास नहीं है, इंडिया डज नॉट हैव आ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। तो हमारे देश के पास नहीं है, डज नॉट हैव मतलब कि नहीं है, हमारे पास नहीं है। बट दो बीजेपी जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उन्होंने गति कर चुके हैं, मतलब मूव कर चुके हैं इस नीति की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर या के प्रति, दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन की ओर, इस दिशा की ओर दो बीजेपी स्टेट्स और, ठीक है, मूव कर चुके हैं, हैव मूव्ड, ठीक है, यानी इस दिशा में आ चुके हैं, यानी ये पॉलिसी को उन्होंने अप्लाई कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ओके, उत्तर प्रदेश टू चाइल्ड पॉलिसी प्रपोजल। अब देखिए कि यूपी में टू चाइल्ड की जो नीति है वो प्रस्ताव क्या है, ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रावधान है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन, जो लॉ कमीशन है, जो उनका अपना नियम का जो आयोग है, नीति आयोग है, ठीक है, एक नीति आयोग होती है राज्य की, वो नीतियां बनाती हैं, लॉज तैयार करती है स्टेट्स के लिए, हैज़ कम अप विथ अ सिमिलर प्रपोजल वेयर एनी पर्सन हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन विल बी बार्ड फ्रॉम गेटिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज, ठीक है। तो ये सेंटेंस इतना बड़ा है, अब इसको आपको पार्ट बाई पार्ट समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की नीति आयोग है, हैज़ कम अप विद, हैज़ के बाद जो कम दिख रहा है आपको, ये थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, राइट, तो ये थर्ड फॉर्म है, हैज़ और हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो उसकी हिंदी क्या निकलती है, चुका है, चुके हैं, या गया है, गई है, यानी वो काम हो गया है, वो एक्शन हो चुका है। बात समझ में आ रही है? ऊपर ही मैंने आपको बताया है, तो ये आप बातें ढंग से समझ जाओगे आप, ठीक है ना। तो लेकिन कम अप विथ का मतलब क्या होता है? कम अप विथ, ठीक है, कम अपॉन, कम अप अगेंस्ट, ऐसे कम के साथ कई सारे वर्ब बनते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कम अप विथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ पा लेना, किसी समाधान को, किसी समस्या के एक समाधान को, ठीक है, एक रास्ता पा लेना, ठीक है। तो सरकार भी एक, उसे एक रास्ता मिल गया है जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने का, तो सरकार इस बात पे आ चुकी है, इस समाधान पे आ चुकी है कि एक सिमिलर प्रपोजल, एक उसी तरह का प्रस्ताव, ठीक है, अ सिमिलर प्रपोजल जिसकी अभी बात कर रहे थे, उसी तरह के प्रस्ताव को लेकर आई है कि जिसमें या जहाँ, वेयर जहाँ एनी पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन, कोई व्यक्ति जो दो से ज़्यादा बच्चे रखता है, ठीक है, दो से ज़्यादा बच्चे उसके होते हैं, तो हैविंग मतलब आप समझ पा रहे हैं कि रखता है या होता है। विल बी बार्ड, विल बी फ्यूचर आ गया, तो विल बी मतलब होगा, ये कर दिया जाएगा, विल बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है तो ऐसा कर दिया जाएगा, विल बी बार्ड, उसे बाधित या रोक दिया जाएगा, क्या प्राप्त करने से, फ्रॉम गेटिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जो सरकारी सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है, उनको वो पाने से वंचित हो जाएगा या उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द प्रपोजल इज ऑन द लाइन्स ऑफ वॉट द असम गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़, ठीक है, द प्रपोजल इज ऑन द लाइन, जो ये प्रस्ताव है ये उसी लाइन पर है, ठीक है, अब वॉट द असम गवर्नमेंट ऑलरेडी, यानी उस लाइन पर है जिसमें असम की गवर्नमेंट पहले से है, ठीक है, उसी लाइन पर असम की गवर्नमेंट जो है, असम की जो गवर्नमेंट है वो पहले से है, ठीक है, यानी वो भी ये अप्लाई कर चुकी है। अ पर्सन विद मोर देन टू चिल्ड्रन, एक व्यक्ति जिसके पास दो से ज़्यादा बच्चे हैं, कैन नॉट अप्लाई यानी अप्लाई नहीं कर सकता, आवेदन नहीं कर सकता फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है ना। तो कैन यानी सकता है, और उसके बाद बर्व का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो कैन नॉट यानी नहीं कर सकता है, तो वो आवेदन यानी अप्लाई
नहीं कर सकता है किसी गवर्नमेंट की जॉब के लिए और जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उनके, ठीक है, छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं उनमें भी वो हिस्सा नहीं ले सकता, उन सभी से उसको बाधित कर दिया जाएगा। तो गाइस आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने आज कौन कौन से नए वर्ड सीखा है और आपको ये पार्ट टू कैसा लगा, ठीक है, और इस सीरीज़ को हम बढ़ाते रहें, ये तमाम चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी हैं, ठीक है, कि कितना इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।